नागपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक घोटाले में न्यायालय के द्वारा आरोपी बनाए गए पूर्व मंत्री एवं तत्कालीन एनडीसीसी बैंक के अध्यक्ष सुनील केदार से 1444 करोड़ रुपए की राशि को लेकर नागपुर जिले की रामटेक तहसील अंतर्गत भाजपा के द्वारा बेधड़क वसूली मोर्चा का आयोजन किया गया। भाजपा नागपुर जिला ग्रामीण के द्वारा आयोजित बेधड़क वसूली मोर्चा का नेतृत्व भाजपा जिलाध्यक्ष सुधाकर कोहड़े तथा महामंत्री उदय सिंह यादव ने किया। इस मोर्चे में ओबीसी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष आशीष देशमुख की प्रमुख उपस्थिति रही। मोर्चा रामटेक बस स्टैंड से शुरू होकर आंबेडकर चौक, गांधी चौक से होकर एसडीओ कार्यालय पहुंचा, जिसमें उपस्थित नेताओं के द्वारा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। इसके बाद रामटेक एसडीओ प्रियेश महाजन को विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा गया तथा कार्रवाई नहीं हुई तो आमरण अनशन समेत अन्य तहसीलों में भी आंदोलन का इशारा दिया गया। ज्ञात हो कि इस आंदोलन में ट्रैक्टर बैलगाड़ी समेत हजारों की संख्या में नागरिकों ने सहभाग लिया। 1997 से भ्रष्टाचार का सिलसिला जारी है। 22 साल पूरे हो गए, फिर भी हमारे आम आदमी को, हमारे किसान को यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है। छोटी छोटी रकम जमा करके आने वाली पीढ़ी के लिए तरतूद की हुई रकम आज 25 साल में कितनी बड़ी हो सकती है, इसका अंदाजा आपको है। और यदि सामान्य किसान हो, सामान्य रोजगार हो, शिक्षक जैसा आदमी हो जिनके पगार वहाँ से होते थे, ऐसे लोगों को 25-25 साल से पैसा न मिले, न्याय न मिले, ये बात बहुत बुरी है। इसलिए हमने तय कर लिया है कि अभी हर एसडीओ ऑफिस में जाके, क्योंकि ये जिले का प्रश्न है, हर एसडीओ ऑफिस पर जाकर हम मोर्चा निकालेंगे जब तक इन आरोपियों के खिलाफ सख्त वसूली नहीं होती। इनके वसूली कर ये पैसा जब तक किसानों के खाते में आता नहीं तब तक हमारा ये आंदोलन कि हर जगह हर हर ठिकाने पर जारी रहेगा। अभी आपको सम्माननीय जिलाध्यक्ष महोदय ने बताया कि हर जिले में, हर तहसील में, हर विधानसभा में आंदोलन होगा, तो नागपुर जिले के अब सावनेर में माननीय आशीष बाबू देशमुख साहब के नेतृत्व में हुआ, आज हमारा यहाँ हो गया। अब इसके बाद अनिल निदान और माननीय टेकचंद जी सावरकर साहब, इनके नेतृत्व में मौदा और कामठी में होगा, बाद में उमरेड में होगा, काटोल में होगा। और जब तक सरकार इनके तरफ से 1444 करोड़ रुपए वसूल करके गरीब किसानों को बांटती नहीं है तब तक ये आंदोलन चालू रहेंगे। जिला सहकारी बैंक में जो महाघोटाला सुनील केदार ने किया और उसके लिए उसको दोषी न्यायालय ने करार दिया है, उसको 5 साल की सजा मुकर्रर कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य के सहकारी कायदे के अनुसार सेक्शन 88 में वसूली करने का पूरा अधिकार दोषी लोगों से निश्चित तौर पर सरकार को है। सम्माननीय रिटायर्ड जस्टिस जेएन पटेल साहब के नेतृत्व में कमिटी बैठी है, पर फिर 22 साल जैसी देरी सुधार सुनील केदार करने में अपनी कोशिश कर रहे हैं। वैसे पाटिल जो सहकार मंत्री है उनसे एक छोटे से कारण के लिए स्टे इस प्रकरण पे आया है। हमने पिछले महीने भी सावनेर में बड़ा आंदोलन किया, उसमें हमें आश्वासित किया गया था कि जल्द से जल्द ये स्टे हटाया जाएगा। आज महीना भर होने के बावजूद अगर ये स्टे हटता नहीं है तो निश्चित तौर पे पीड़ित किसान और इस बैंक के खातेदारों के मन में संदेह है, क्या वैसे पाटिल साहब सुनील केदार से मिले हैं। हमारी विनती वैसे पाटिल साहब से यही है कि यह स्टे हटाए, ऑर्डर आप निश्चित तौर पे जल्द से जल्द दे, जिसके तहत 1444 करोड़ रुपया सुनील केदार जो दोषी है उससे वसूल करके हमारे इस ज़िले के सभी किसानों के खाते में और खातेदारों के खाते में आने वाले 2 महीने में पड़े। यह कारण के लिए आज ये रामटेक एसडीओ के सामने मोर्चा निकला। अगर यह हमारी मांग मंजूर नहीं होती है तो आने वाले हफ्तों में यह आंदोलन और तीव्र किया जाएगा और समूचे नागपुर ज़िले के पीड़ित किसानों को और खातेदारों को एकत्रित करके आमरण अनशन हम नागपुर में करेंगे, यह मैं कहना चाहूँगा। महान्यूज 7 के लिए पंकज चौधरी, रामटेक नागपुर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। आर एड्रेस विनोबा नगर, खरपी रिंग रोड, नागपुर। आर कॉन्टैक्ट 8668792352, 9801980100।